खबर यह है कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का बड़ा फैसला, नैब अफसरान के निजी सफर करने पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी का इत्तलाक नैब के तमाम अफसरान पर होगा। अहकामात भी जारी कर दिए गए, इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हसन रजा। हसन रजा बताइएगा, अफसरान के सफर पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि माजी में देखने में आया है कि मुतअद्दिद केसेस जो है वो बाद अफसरान के पास से, और अफसरान जो है वो बगैर बताए और बगैर जो है छुट्टी मंजूर करवाए जो है वो मुतलिक दोनों पर चले जाते थे, टिकट रिजर्वेशन करवा लेते थे। उसके बाद जो है वो लाहौर में अगर थे तो मुतअद्दिद केसेस इल्तवा का शिकार की शिकायत आ रही थी। इस तमाम शिकायत को मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने एक्शन लिया है और बड़ा फैसला करते हुए निजी अफसर सफर करने पर पूरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। नैब का कोई भी अफसर टिकट रिजर्वेशन भी नहीं करवा सकेगा। जो नैब तर्जमान की जानिब से लामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक ये वाजह किया गया है पाबंदी का इतलाब नैब के तमाम अफसरान पर होगा। उमरा या बैरून मुल्क छुट्टी के लिए मुतलका अथार्टी से मंजूरी लेना बहुत जरूरी होगी। और चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने डीजी नैब लाहौर समेत मुतल तमाम डीजी को अहकाम जारी कर दिए गए हैं और तमाम अफसरान को इस पर जो है वो फौरी तौर पर अमल दरामद करने के कमांडारी जारी किए गए हैं। और इससे ये फैसला होगा, ये बेहतरी होगी कि तमाम अफसरान जो है वो दफ्तर में मौजूद रहेंगे, कोई छुट्टी पर नहीं जाएगा बगैर बताए। अगर कोई छुट्टी पर जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे अफसर को सौंपी जा सकती है ताकि मामला और तहकीकत और इन्वेस्टिगेशन में किसी भी किस्म की कोई जो है वो हर्ज ना हो, कहीं पर मामला रुकावट बगैर बताए छुट्टी नहीं मिलेगी। शुक्रिया मोहम्मद हसन रजा।